दोस्तों आप देख सकते हो मेरे हाथ में कीपैड स्मार्टफोन है जिसका नाम है जियो। ये अंबानी साहब द्वारा लॉन्च किया गया फोन है। इसमें सारे स्मार्ट फीचर्स हैं। देखने में तो ये कीपैड है लेकिन इसमें सारे फीचर स्मार्टफोन जैसे हैं। दोस्तों जब ये लॉन्च हुआ थे तो इसे बहुत सी जनता ने, मतलब हमारे भारत वाले लोगों ने इसे बहुत परचेज किया क्योंकि सस्ता और एक अच्छा मतलब कीपैड स्मार्टफोन था। स्क्रीन कीपैड लेकिन इसके अंदर के फीचर सारे स्मार्टफोन जैसे। दोस्तों इसमें यूट्यूब वगैरह सब चीज चलता है। तो इसमें सिर्फ जो सिम सपोर्ट करती है वो जियो। तो जियो मतलब कि इतना मतलब फैल गई थी एक टाइम में जियो, तो हर हर यूजर की स्पीड जो जियो इंटरनेट की थी वो कम होती जा रही थी। तो आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपकी इंटरनेट स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी, मतलब काफी हद तक फास्ट हो जाएगी। जैसे आपका भी इंटरनेट स्लो चल रहा है जियो फोन में, तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके आपकी इंटरनेट स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी और अच्छे से ग्रो करेगी। तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की तरह। अगर चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको जाना होगा अपने जियो फोन की सेटिंग में, जैसा कि मैं जा रहा हूँ। आपको ओके करना है, फिर उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन मोबाइल नेटवर्क एंड डाटा, इस पर क्लिक करना है। इस पे सबसे नीचे वाला ऑप्शन आएगा एक एपीएन सेटिंग, इस पर आप क्लिक कीजिए। अब लिखा आ रहा है यहाँ पर डाटा सेटिंग, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ कोने पे ये हरे वाले बटन के ऊपर लिखा रहा है ऐड एपीएन, इस पर ओके कीजिए। अब ये लिखा आ रहा है एपीएन, इसके इसके अंदर हमें लिखना क्या है ये आप देखिए। आपको सबसे पहले कैपिटल लेटर चूज करना है, इसमें आपको लिखना है जियो जियो जियो। अब इसके बाद जियो के बाद लगाना है स्पेस, अब लिखना है इंडिया जियो इंडिया, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको सेम टू सेम लिखना है जियो इंडिया। अब हम दूसरे वाले ऑप्शन पे आए, ये लगा है आइडेंटिफायर, इस पर भी लिखना है जियो इंडिया सेम टू सेम कैपिटल लेटर में जियो स्पेस इंडिया। अब दोस्तों हमें नीचे आना है, नीचे यहाँ एक ऑप्शन आएगा ये ऑथेनिकेशन, ऑथेनिकेशन नॉट डिफेंड, इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर लिखे आ रहे हैं पीएपी और CHAP, पैप और चैप, इस पर हम ओके कर देंगे। आपको एपीएन टाइप ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद आना है प्रोटोकॉल में, इस पर आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है IPv4 पर क्लिक करना है एंड IPv6 पे, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन। अब इसके बाद आएगा रोमिंग प्रोटोकॉल, इसमें भी आपको वही सेम टू सेम IPv4 IPv6, इस पर ओके करना है एंड दोस्तों एंड में आपको सेव कर देना है इसे, और इस पर इसे सेट कर देना है सिलेक्ट पे, जो आपने एपीएन बनाया है इसे सिलेक्ट कर देना है। अब आपका एपीएन सिलेक्ट हो चुका है। आप दोस्तों आपकी इंटरनेट स्पीड काफी हद तक अच्छी हो चुकी है। दोस्तों सबसे इंटरनेट की स्पीड भी चेक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको गूगल में टाइप करना होगा fast.com fast.com www.fast.com, इस पर ओके कर देना है। अब जो पहली वाली वेबसाइट है उसे ओके कर देना है। अभी आपकी इंटरनेट की स्पीड देखिए काफी हद तक सुधर चुकी है, देख लीजिए 7 MB प्रति सेकंड की स्पीड, 7 MB/s, 4 MB, 5 MB, 5.4 MB, 5.3 MB, ये अप डाउन होता रहता है, लेकिन इंटरनेट की आपकी स्पीड बहुत बहुत हद तक तेज हो जाएगी। काट दे।